सो वेलकम बैक टू ऑल। आज अपन बता रहे हैं यहाँ पे जो CSIR नेट का टेस्ट सीरीज आपका चल रहा था, उसमें जो फर्स्ट टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट फर्स्ट है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, उसके सॉल्यूशन अपन देखेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन का पार्ट ए दो पार्ट में आएंगे, 20 क्वेश्चंस टोटल थे, आज अपन 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए न्यूक्लियस हैज स्पिन पैरिटी। आपको देखो दो स्टेट, एक ग्राउंड स्टेट दे रखा है, एक एक्साइटेड स्टेट दे रखा है। इसके लिए आपको दे रखा है स्पिन पैरिटी JP, इसके लिए आपको दे रखा है 1+, और एक्साइटेड स्टेट के लिए 3-, ठीक है। चलिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक का होगा, मैग्नेटिक का होगा, ये बताना है, मतलब मल्टीपोल डायमेंशन से क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, मल्टीपोल रेडिएशन से क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए कुछ सिलेक्शन रूल्स बताए थे मैंने। सबसे पहले इसके लिए L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, Ji-Jf टू Gi+Jf, ठीक है, इनिशियल फाइनल ऐसा ही तो है आपके पास में। तो 3-1 2, 3+1 दैट मींस 2 3 4, तो L की वैल्यू आपके पास आ गई 2 3 4, ऐसे कैलकुलेट करते थे। नाउ पैरिटी सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, Pi i = Pi r Pi f, ये इक्वल होने चाहिए। इनिशियल पेरिटी कैसी है, नेगेटिव, देखो फाइनल पेरिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो शुड बी ये आपके पास क्या होनी चाहिए, शुड बी नेगेटिव, क्योंकि ये इधर LHS में नेगेटिव है तो RHS में भी नेगेटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव आपके पास में कब आएगा, देखो इलेक्ट्रिक के लिए जो पैरिटी आर होता है पाई आर, दैट इज -1 to the power n, तो ये कब बनेगा, जब एल बराबर क्या हो आपके पास में, ओड हो, यानी कि -1 to the power 3 = -1, यानी कि आपके पास में E3 अलाउड होगा, ठीक है। जब E3 होता है तो इसके बाद वाला क्या होगा आपके पास में, M4, क्योंकि मैग्नेटिक के लिए आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक के लिए पाई आर जो होता है -1 to the power n+1 होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक के लिए इवन वैल्यू होगी तुम्हारे पास में तो 2 हो जाएगा, और यहां पे M2, E3, M4, आगे और होता तो E5 आता, और होता तो M6 आता, और होता तो E7 आता। तो कोई ऐसा ऑप्शन देखिए तुम्हारे पास में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर टू, आंसर टू क्या है आपके पास में, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ये दे रखा है आपको, हैज एन एनर्जी अबव द ग्राउंड स्टेट। देखो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में आपको पता होगा, दिस इज 0+, 2+, 4+, 6+, 8+, ऐसे चलता है, ओके। इसके बाद में 10+, जे बराबर 0, 2, 4, 6, 8, 10, जे बराबर ये होता है आपके पास में। एनर्जी जो होती है इसकी h² / 2i j (j+1) ये होती है, ये होता है आपके पास ग्राउंड स्टेट, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है e j = 2, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो इसकी एनर्जी दे रखी है वो आपको दे रखी है e दे रखी है भाई ना, e किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मींस h² / 2i, j की वैल्यू में 2 रख दूं यहां पे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहां से h² / 2i कितना हो जाएगा, e/6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या निकालना है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, नाउ फोर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये होगा, तो j की वैल्यू क्या आएगी वहां पे, 6 आएगी, h² / 2i, 6 × 6+1, इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, e/6, और इसकी ये कितना हो जाएगा, 42 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैंसिल आउट होके 7e आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, 7e, दैट मींस ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास लिखा हुआ है, इफ बेरियोन, आपके पास कोई बेरियोन है, एक्स हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज,
एक्स कोई बेरियोन है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्यू इज इक्वल टू माइनस वन और स्ट्रेंजनेस माइनस टू है, तो कौन सा एक्स का क्वार्क कंटेंट कौन सा होगा। तो फ्रॉम ऑप्शन ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है आपके पास में, टी एस एस बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप स्ट्रेंजनेस चेक कर लो सबकी, इसकी जीरो होती है माइनस वन, एंटी पार्टिकल प्लस वन, तो स्ट्रेंजनेस जीरो हो गई, होनी कितनी चाहिए टू, पहला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन आपके पास में है डी डी एस, डी डी एस, तो इसकी स्ट्रेंजनेस जीरो जीरो माइनस वन, दैट इज माइनस वन, होनी कितनी चाहिए माइनस टू, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए डी एस एस, तो स्ट्रेंजनेस तुम्हारे पास में जीरो माइनस वन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस टू। चार्ज भी देख लो यहाँ पे, देखो अप डाउन 2/3 माइनस 1/3 ये होती है, तो इसका माइनस 1/3, इसका भी माइनस 1/3, इसका भी माइनस 1/3, तो माइनस 1 हो गया, माइनस 1 ही आपके पास होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डी नहीं होगा, चेक कर लेना क्योंकि हमारे चार सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डीके, मतलब इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टाइम और लाइफ टाइम के बारे में बताना है। पहली रिएक्शन दे रखी है रो जीरो इज इक्वल टू पाई प्लस प्लस पाई माइनस, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आपको दे रखी है, सेकंड रिएक्शन आपको दे रखी है कैस्केड माइनस इज इक्वल टू लैम्डा जीरो प्लस पाई माइनस, और तीसरी रिएक्शन आपको दे रखी है पाई जीरो गामा प्लस गामा। देखो ये पहचान लो कि रिएक्शन कौन सी है, गामा पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा ये पार्टिकल तुम्हारे पास में कौन सा पार्टिकल है, ठीक है, तो यहां से देखो तुम्हारे पास ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगी, मैंने बता रखा है सारी चीजें, ठीक है। ये आपके पास में स्ट्रेंजनेस देख लो, यहाँ पे स्ट्रेंज पार्टिकल डीके होता है तो आपके पास में वीक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके लिए इसने टोबर नाम दे रखा है, इसके लिए टोटू नाम दे रखा है, और इसके लिए इसने टो3 नाम दे रखा है, तो सबसे कम जो तुम्हारे पास में लाइफ टाइम होता है वो स्ट्रॉन्ग का होता है, तो ये सबसे कम होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है टोटू मतलब वीक का होता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए तुम्हारे पास में फोर्थ में ऑप्शन सी आ जाएगा, है ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भाई रिएक्शन पहचान लो कौन सी है, उससे डायरेक्टली आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैच द फॉलोइंग रिएक्शन एंड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। देखिए भाई पहली रिएक्शन दे रखी है पाई प्लस प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस एन बार, ठीक है। दूसरी रिएक्शन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कैस्केड माइनस प्लस के प्लस प्लस सिग्मा प्लस, ठीक है। तीसरी रिएक्शन आपको दे रखी है सिग्मा प्लस प्लस के प्लस, एंड चौथा रिएक्शन आपको दे रखी है कैस्केड माइनस इज इक्वल टू प्लस पाई माइनस, ठीक है भैया। ये चार रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है। तो देखो पहली रिएक्शन पायोन्स प्लस न्यूक्लियोन्स, आप चेक कीजिए, आप यहाँ पे चार्ज भी चेक कीजिए, पेरियोड नंबर भी, स्ट्रेंजनेस भी, ये सब चेक करेंगे तो ये कंजर्व आएगी, ठीक है। तो पहली रिएक्शन तुम्हारे पास में स्ट्रांग होगी, चेक कर लेना, चेक करना मैं बता भी रखा हूं ना। चलिए दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस चेक करेंगे, तो इसकी जीरो प्लस जीरो, इधर स्ट्रेंजनेस, इधर आपके पास स्ट्रेंजनेस क्या होती है, इधर स्ट्रेंजनेस क्या होती है, इसकी होती है माइनस टू के प्लस की प्लस वन, इसकी माइनस वन, तो तुम्हारे पास स्ट्रेंजनेस डेल्टा एस हो जाएगा माइनस टू, मतलब टू हो जाएगा, तो ऐसे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, तो ये आपके पास में फोरबिडन हो जाएगी, ठीक है। वैसे इसको सुपर वीक बोला जाता है लेकिन यहाँ पे उसको फॉरवर्डिंग मानेंगे, ठीक है। तीसरी रिएक्शन आपके पास में है सिग्मा प्लस वाली, ठीक है। तो देखो यहां से तुम एक बार ऑप्शन देखिए, यहां से तुम्हारे पास ऑप्शन है पहली में स्ट्रॉन्ग, दूसरी में क्या आ रहा है फॉरबिडन, तो ऐसा एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो बाकी रिएक्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरी रिएक्शन भी देखो तुम्हारे पास फॉरबिडन निकल के आएगी, चेक कर लेना, ठीक है। और चौथी रिएक्शन भी तुम चेक करोगे तुम्हारे पास में वीक निकल के आएगी, ठीक है, ये चेक कर सकते हो तुम डायरेक्टली यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, इफ द रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन दे रखी है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन प्लस लैम्डा जीरो प्लस एक्स, ठीक है, ये आपको दे रखा है और ये बोल रही है कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, तो एक्स पार्टिकल क्या होगा, ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए दे रखा है के माइनस, बी दे रखा है प्रोटॉन, सी दे रखा है पाई प्लस, डी दे रखा है के प्लस। तो देखो सबसे पहले अपन इसका चार्ज चेक कर लेते हैं, ठीक है, इस पे प्लस वन, इस पे प्लस वन, इस पे प्लस वन, जीरो जीरो, तो इधर प्लस टू हो गया टोटल, इधर चार्ज प्लस टू होना चाहिए, तो इसका चार्ज क्या होना चाहिए, प्लस वन, तो ए ऑप्शन तो तुम्हारे पास कैंसिल आउट हो गया। दूसरा देखो, ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, ये स्ट्रेंज नहीं है, तो स्ट्रेंजनेस चेक कर लो, जीरो 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 जीरो, इसकी स्ट्रेंजनेस माइनस वन होती है, तो एक्स की स्ट्रेंजनेस क्या होनी चाहिए, प्लस वन होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे भी जीरो बनेगा, एलएचएस में आ रहा है जीरो बनेगा, ये भी स्ट्रेंज नहीं होता, ये भी स्ट्रेंज नहीं होता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए भाई, इफ द एनर्जी रिलीज पर फिजल इज, आपको एनर्जी रिलीज बोल रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिजन, पर फिजन, ठीक है, then the number of fission that take place per second in 300 megawatt, ठीक है, ये पावर आपको दे रखा है कि आपको बता रहा है नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड कितना होगा, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड इज इक्वल टू एन, ये मैंने मान लिया यहां पे, ठीक है, सो एनर्जी रिलीज पर सेकेंड कितनी होगी, सो एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड कितनी होगी भाई, देखो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मैं कर सकता हूं 200 इनटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इनटू n, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड कितना है n, ये इलेक्ट्रॉन जूल के अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास में, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3.2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 11 n into 3.2 into 10 to the power minus 11 joule, ये आपके पास में आ जाएगा, ठीक है, अब आपको पता है पावर क्या होता है, एनर्जी पर टाइम, ये तो होता है तुम्हारे पास में, तो देखिए ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 300 into 10 to the power 6 volt, ये तो दे रखा है, मेगा वोल्ट में चेंज कर लिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू एनर्जी आपने निकाल ली n into 3.2 into 10 to the power minus 11 upon time 1 second, है ना, पर सेकंड निकालना है ना आपको, तो n is equal to, इसको सोल्व कर लो इधर लाके, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 9.38 into 10 to the power 18, 9.38 into 10 to the power 18, ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, that means option D, ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल आपको दे रखा है 13 एल्यूमिनियम 26 एंड 13 एल्यूमिनियम 27, ठीक है, ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों इक्वल एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, पेरिटी इक्वल है, हैव इक्वल एंगुलर मोमेंटम एंड पेरिटी, हैव ऑपोजिट पेरिटी, ठीक है, तो देख लो सबसे पहले इसके लिए चेक कर लो, प्रोटॉन कितना है 13, न्यूट्रॉन कितना है 13, तो जो इसके लिए होगा वो इसके लिए होगा, ठीक है, तो 1s half, इसमें दो आ सकते हैं 1p 3/2, 1p half, 1d 5/2, इसमें चार आ सकते हैं, इसमें दो, आठ, और इसमें छह आ सकते हैं, मुझे 13 ही चाहिए, पांच, तो jp इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, lp d के लिए 2 होता है, सेम इसके लिए भी ऐसा ही लिखा जाएगा, तो jn इक्वल टू 5/2, ln इक्वल टू 2, तो अपन क्या करेंगे, दोनों ऑर्डर्ड हैं, उसके लिए क्या करते हैं, JP plus JN plus LP plus LN, इसका सम करते हैं, तुम्हारे पास देखो कितना आएगा, 9 आएगा, अगर ऑड नंबर आता है, तो जो टोटल J होता है, that is JP minus JN, sorry JP plus JN, तो कितना हो जाएगा, 5/2 plus 5/2, तो ये हो जाएगा 5, पेरिटी क्या होती है, minus 1 to the power LP plus LN, that means minus 1 to the power 4, positive parity आएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, किसका,
तुम्हारे पास में इसका निकल के आया 5+, नाउ 13 एल्यूमिनियम 27 चेक किया जाता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 13 है, न्यूट्रॉन तुम्हारे पास 14 है, इसके लिए चेक करेंगे, अब इसके लिए चेक करेंगे, ठीक है, इसके लिए तुम्हारे पास यही है ना, तुम्हारे पास बिल्कुल यही है, ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे, तो वही वापस तुम्हारे पास JP इक्वल टू 5/2, LP इक्वल टू 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इधर JP वैल्यू 5 थी, तो एंगुलर मोमेंटम तो सेम नहीं है, लेकिन पेरिटी क्या है आपके पास में, सेम है, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एम्पिरिकल मास फॉर्मूला MAZ इज इक्वल टू ZmH प्लस A माइनस ZmN माइनस अल्फा A प्लस बीटा A की पावर 2/3 प्लस गामा A माइनस 2Z का स्क्वायर अपॉन A प्लस एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3, ठीक है, आपके पास ये है, आपको क्या बोला है, फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार, क्या करते हैं, फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार क्या किया जाता है, डेल एम अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0 कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे एम एच दे रखा है तो एम एच मान लो, वैसे एम एच और एम एन लगभग मास इक्वल होता है तो उसको 0 मान लेंगे, वैसे भी तो इसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एम एच माइनस एम एच माइनस ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, गामा 2 a माइनस 2z अपॉन a इनटू माइनस 2 प्लस 2z एप्सिलॉन अपॉन a की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा, तो देखो ये 0 हो गया, इसको सॉल्व कर लेना भाई, तुम्हारे पास जो z नोट आएगा वो आपके पास आ जाएगा, आपके पास जो जेड नोट आएगा वो आएगा a अपॉन 2 प्लस ऑप्शन सी, देखो हमारे पास ही आ जाएगा a अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 गामा a की पावर 2/3, ठीक है, ऑप्शन सी, जस्ट सॉल्व करना है, तरीका मैंने बता दिया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, टेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, according to the Shell model, the nuclear electrical quadrupole moment 21 scandium 41, इसके लिए nuclear quadrupole moment पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है formula, minus 2/3 2j minus 1 upon 2j plus 2 r naught square a की power 2/3, important है, यहां से only एक बार question पूछा हुआ है, हो सकता है अभी future net में पूछ ले, ठीक है, तो देखो पहले j निकाल लो, इसके लिए प्रोटॉन 21 है, न्यूट्रॉन 20 है, तो इसके लिए लिखा जाएगा 1s half, 1p 3/2, 1p half, 1d 5/2, 2s half, 1d 3/2, 1f से 1/2, ठीक है, 2, 6, 8, 14, 16, 20, इसमें जाएगा, तो j तुम्हारे पास आ जाएगा 7/2, यहां वैल्यू रख दो, माइनस 2/3, 2 इंटू 7/2 माइनस 1, 2 इंटू 7/2 प्लस 2, आर नॉट 1.2 फर्मी आपको दे रखा है, उसका स्क्वायर a कितना है 41 की पावर 2/3, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, अवेलेबल रहेगा, आपको बार में पूछ रहा है, सॉल्व करोगे तो माइनस 0.06848 बार आ जाएगा भाई, एक बार क्या होता है, एक बार आपके पास होता है 10 टू द पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन आपको सी मिल जाएगा, ठीक है भैया, मैंने कोशिश किया है टेस्ट सीरीज में हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक क्लियर, हर एक टॉपिक को कवर करने की, जिससे आपका साथ में रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है, तो ये पार्ट ए था न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स सब्जेक्ट टेस्ट फर्स्ट का, इसका पार्ट बी सॉल्यूशन, 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन अभी और आएंगे, ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।